ईएनटी में इनर ईयर की एनाटॉमी का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो हमने ओटोलिथ तक डिस्कस किया था, अब ओटोलिथ को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो राइनोलिथ क्या होता है? एबनॉर्मल कैल्शियम डिपोजिशन था नोज में, जबकि ओटोलिथ क्या होता है कि कैल्शियम कंस्टिट्यूएंट जो नॉर्मली इनर ईयर में प्रेजेंट रहता है वो होता है ओटोलिथ, मैक्यूले में प्रेजेंट होता है वो, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? लीनियर एक्सेलरेशन के लिए। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो अब हम और देखते हैं ओटोलिथ के बारे में। तो ओटोलिथ अगर डिसलॉज हो जाता है ना, तो वो सेमी सर्कुलर कैनाल में चला जाता है मैक्यूले से, और वहाँ पे वो सेमी सर्कुलर कैनाल का इरिटेशन कॉज करता है उस पर्टिकुलर सेमी सर्कुलर कैनाल का जहाँ पे वो जाता है। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स ग्रेविटी के कारण सेटल डाउन हो जाते हैं और उस समय वर्टिगो कम हो जाता है। इसलिए ना, जब एक पर्टिकुलर हेड पोजीशन होती है उसी समय पे वो पर्टिकुलर सेमी सर्कुलर कैनाल स्टिमुलेट होता है, हेड मूवमेंट उसको फिर से अगेन कॉज कर देती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर पोजीशन पे ही उस सेमी सर्कुलर कैनाल का इरिटेशन होता है। अब क्या होगा कि वर्टिगो एक पर्टिकुलर पोजीशन में ही होगा, इसलिए इसको बोलते हैं फिर बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो, दैट इज़ BPPV। पैरोक्सिस्मल मतलब क्या? सडन रिकरेंस ऑफ सिम्टम्स। सडन रिकरेंस ऑफ सिम्टम्स कब हो रहा है? जब एक पर्टिकुलर पोजिशन आ रही है हेड की और उसे फिर वर्टिगो हो रहा है। तो मोस्ट कॉमन वर्टिगो होता है ये, और मोस्ट कॉमन सेमी सर्कुलर कैनाल जो स्टिमुलेट होता है इसकी वजह से, ओटोलिथ के जाने की वजह से, दैट इज़ द पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। ओटोलिथ मोस्ट कॉमनली पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल में ही जाता है। तो अब हम एक और चीज़ याद कर सकते हैं कि BPV का जो सिंगल मोस्ट कॉमन कॉज होता है वर्टिगो का, वो होता है पोस्टीरियर कैनाल। पोस्टीरियर कैनाल की वजह से ही वर्टिगो होता है। तो पोस्टीरियर कैनाल इसलिए सप्लाई होता है सिंगुलर नर्व से, ये जस्ट रिमेंबर करने के लिए। सिंगुलर नर्व किसकी ब्रांच होती है? इन्फीरियर वेस्टिबुलर नर्व की। अब हम देखते हैं क्रिस्टे एंड मैक्यूले से क्या होता है। वेस्टिबुलर नर्व अराइज होती है सुपीरियर और इन्फीरियर वेस्टिबुलर नर्व, और दोनों ही कहाँ जाती है? बाहर जाती है इनर ईयर के थ्रू, किससे? इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस से। तो इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस में कौन कौन सी नर्व्स प्रेजेंट हो गई? सेवेंथ नर्व, एट्थ दैट इज वेस्टिबुलर नर्व, एंड कॉकलियर नर्व, क्योंकि कॉकलियर वेस्टिबुलर नर्व होती है एट्थ नर्व। अब यहाँ पे हम एक डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टल एक डिवीजन है एंड वर्टिकुलर डिवीजन है। वर्टिकल डिवीजन को हम बिल्स बार बोलेंगे, और ये इसका डायरेक्शन है एंटीरियर है लेफ्ट साइड में, पोस्टीरियर है, देन सुपीरियर, इन्फीरियर। और यहाँ पे क्या है, वर्टिकल क्रेस्ट ऑफ बोन एक प्रेजेंट है, उसी को हम बिल्स बार बोल रहे हैं। राइट साइड में एक नर्व है, दैट इज सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व। लेफ्ट साइड में फेशियल नर्व है, नीचे में कॉकलियर नर्व है लेफ्ट साइड में, एंड राइट साइड में नीचे क्या है? इन्फीरियर वेस्टिबुलर नर्व। और कोने में एक कॉर्नर में है सिंगुलर नर्व। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स से वहाँ पे इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस में। तो यहाँ पे ये सिंगुलर नर्व कहाँ पे है? सिंगुलर फोरामेन के अंदर है ना। अब एक और आर्टरी होती है एंटीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी, आइका होती है। उसकी ब्रांच एक लेबरिंथिन आर्टरी होती है, और लेबरिंथिन आर्टरी की भी ना एंट्री होती है अलॉन्ग विद दीज नर्व्स। ये नर्व्स जब एंटर करती है तो लेबरिंथिन आर्टरी भी एंटर करती है, जो कि पूरे रिस्पॉन्सिबल होती है इनर ईयर की आर्टेरियल सप्लाई के लिए। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी नर्व फेशियल नर्व है? क्योंकि सुपीरियर पार्ट में हम देख लेंगे कि वर्टिकल क्रेस्ट है, तो हमें सुपीरियर पार्ट पता चल जाएगा, उसके लेफ्ट साइड में हमें फेशियल नर्व पता चलेगी। वेस्टिबुलर नर्व की अगर हमें न्यूरेक्टोमी करनी है तो हमें इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व कैसे पता चलेगी? पहले सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व हमें आइडेंटिफाई कर लेंगे बिल्स बार को देख के, कि कहाँ पे है बिल्स बार, फिर उसके राइट साइड में, या फिर पोस्टीरियरली देख के, बिल्स बार के पोस्टीरियरली देख के हमें पता चल जाएगा कि सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व है वहाँ पे, फिर उसके नीचे देख के हमें इन्फीरियर वेस्टिबुलर नर्व पता चल जाएगी, और फेशियल नर्व बिल्स बार के आगे देख के पता चल जाएगी। देन कॉकलियर नर्व
अगर पता करना है तो फेशियल नर्व के नीचे हम देख सकते हैं। बेल्स बार के आगे हमने फेशियल नर्व को देखा, उसके बाद उसके नीचे देख लिया कॉक्लियर नर्व को। अब मोस्ट कॉमन साइट जो एकॉस्टिक न्यूरियोमा के ओरिजिन का होता है वो कौन सा होता है? सेरेबेलो पॉन्टाइन एंगल होता है। सेरेबेलो पॉन्टाइन एंगल ये यहाँ पे होता है कुछ नीचे में पॉन्स में, मिडिल कैनियल फोसा है ये, देन पोस्टीरियर कैनियल फोसा उसके नीचे, ये पोस्टीरियर स्लैंट बना रहा है एक, और एंटीरियर स्लैंट भी है इसके नीचे में। यहाँ पे मिड ब्रेन है, पॉन्स मेडुला है एंड पोस्टीरियर स्लैंट है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे होता है सेरेब्रम पेंटाइन एंगल, वहाँ पे मोस्ट कॉमन साइट होती है एकॉस्टिक न्यूरोमा के ओरिजिन की। सेरेब्रम पेंटाइन मीन्स सेरेब्रम और पॉन्स के बीच का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेट्रस बोन है इसके नीचे में जो शो हो रही है, और सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स आ जाते हैं फिर उसके नीचे। तो ये डायग्राम में शो किया गया सेरेब्रो पेंटाइन एंगल। अब एराइजेस फ्रॉम मोस्ट कॉमनली फ्रॉम इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व इन इन इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस, देन फर्स्ट फिल्स इंटरनल एकॉस्टिक मिएटस। ये एकॉस्टिक न्यूरोमा के बारे में कुछ बातें थी। अब अपर पोल जो है ना इसका इन्वॉल्व करता है फिफ्थ एंड सिक्स नर्व को, जबकि लोअर पोल इन्वॉल्व करता है नाइन्थ टेंथ और इलेवेंथ नर्व को। नाइन्थ टेंथ एंड इलेवेंथ नर्व को इन्वॉल्व करेगा नीचे वाला पोल, और अपर पोल इन्वॉल्व करेगा फिफ्थ एंड सिक्स नर्व को। तो ये सारा था इनर ईयर की एनाटॉमी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।